हार्ड हिटिंग की जॉब्स। हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। हेलो दोस्तों, भाई आपने वीडियो क्लिप देखी होगी। ये वीडियो क्लिप है भाई आफरीन फातिमा की, जो कि जावेद मोहम्मद, जो इलाहाबाद दंगों का मास्टरमाइंड है और जिसके घर को कल ही तहस नहस कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, उन्हीं की भाई ये क्या है, उन्हीं की ये पुत्री हैं। और पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो वुमेन्स कॉलेज है उसकी ये स्टूडेंट यूनियन की हेड रही। उसके बाद इन्होंने भाई अपना रास्ता लिया JNU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और जब भाई CAA का बिल आया, आप जानते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून जब पास हुआ, तो उसके विरोध में JNU और भाई शाहीन बाग ये दोनों एक नंबर पर रहे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या कहा वहाँ पर कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई यकीन नहीं करते। भाई इस लड़की ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई यकीन नहीं करते, क्यों? तो अगर मान लो देश के कानून में भाई कोई यकीन नहीं, देश के जो जुडिशल सिस्टम है उसमें कोई यकीन नहीं, देश की डेमोक्रेसी है उसमें एक यकीन नहीं, यानी इसने कहा था वहाँ पर कि ये जो अफजल गुरु है जो मास्टरमाइंड था पार्लियामेंट पर हमले का, उस पार्लियामेंट के हमले में हमारे 8 ब्रेव हार्ट्स शहीद हो गए थे। और वही इसने कहा कि ये जो अफजल गुरु है, जब आप जानते हैं इसे बाकायदा फेयर ट्रायल किया गया, पहले भाई ट्रायल कोर्ट में उसे फांसी की सजा हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे कन्फर्म किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे कन्फर्म किया, उसके बाद रिव्यू पिटीशन गया, रिव्यू पिटीशन भी फेल हो गया, उसके बाद भाई क्लीमेंसी जो रिट होती है दया याचिका, राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लड़ाई गई, वहाँ से भी भाई वो क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। और इसके बाद कुछ सरकारों ने उसे 7-8 साल बिठा करके तिहाड़ जेल में भाई उसे क्या खिलाई, बिरयानी खिलाई, उसके बाद उसे फांसी दी गई। दोस्तों आप जानते हैं कि इसका ये कहना है, इस आफरीन का ये कहना है कि वह अफजल गुरु निर्दोष था, उसका पार्लियामेंट हाउस के अटैक्स में कोई हाथ नहीं था, इसीलिए हम जो सुप्रीम कोर्ट पर और भारत के जुडिशल सिस्टम पर हमको यकीन नहीं करते। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि जब भारत की डेमोक्रेसी पर यकीन नहीं, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर कोई यकीन नहीं, भारत के जुडिशल सिस्टम पर कोई यकीन नहीं, भारत के और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर भी इनका कोई यकीन नहीं, इसका मतलब है कि आफरीन फातिमा और उसका बाप जावेद मोहम्मद ये क्या लाना चाहते हैं भाई, अपना निज़ाम लाना चाहते हैं, अपना सिस्टम लाना चाहते हैं। मतलब कि भाई या तो माई वे नहीं तो फिर हाई वे, यानी या तो मेरी बात मानो नहीं तो भाई चल यहाँ से निकल, ये मतलब इनका वो है, यानी ये अपना रूल बनाएंगे, इनकी अपनी जुडिशियरी होगी, इनके अपने इंस्टीट्यूशंस होंगे और वो हर चीज़ इनके फेवर में देंगे, तब तो वो इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन अगर वो इनके विचार के खिलाफ अपना डिसीजन देंगे तो वो इंस्टीट्यूशन हो गए खराब। अब देखा आपने वहाँ कैसे कह रही थी, कैसे चिल्ला रही थी, अफजल गुरु को फांसी दी गई, हम सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं करते। और यहाँ देखना जब इसके बाप को अरेस्ट किया गया और जब वह बुलडोजर्स वहाँ पे आ गए तो कैसे ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कैसे भाई बिल्ली की तरह मिमिया रही थी। मिमियाना देखा आपने, छोटी सी क्लिप है दूसरी, उसमें दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कैसे मिमिया रही थी, यानी जो चीखने चिल्लाने वाली लड़की वो कैसे मिमिया रही थी, अपने ऊपर भी थी। और हाँ एक बात बता दूं, जावेद मोहम्मद हो, आफरीन फातिमा हो, ये खुद कभी नहीं जाते, ये खुद कभी नहीं जाते, इनके भाई गुर्गे होते हैं, इनके कुछ क्या होते हैं, चेले चपाटे होते हैं, उनको 100-200 रुपए देते हैं, भाड़े के टट्टू होते हैं, इनके चापलूस होते हैं, इनके मालिशी पालिशी होते हैं, उनको मतलब ये भेजते हैं कि जाओ भाई उस जगह पे दंगा भड़काओ, उस जगह पे भाई दंगा कर दो, ये मतलब इनका काम होता है।
लेकिन ये खुद कभी घर से बाहर नहीं निकलते। भाई खुद आओ ना सामने, तभी तो पता चलेगा। CAA का जब विरोध हो रहा था तब पता इसने क्या कहा था, आपने सुना होगा सरजीत इमाम, जिसने यूं कहा था कि भाई भारत का जो चिकन नेक है, चिकन नेक का मतलब जो पूर्वोत्तर को इंडिया से जोड़ता है घर वाले हिस्से से, चिकन नेक को काट दो और पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर दो। ये सरजीत इमाम का बयान था। आप जानते होंगे दोस्तों कि ये कितने एंटी नेशनल है, कितने गद्दार लोग हैं ये भाई, कितने मतलब एंटी नेशनल, कितने राष्ट्र विरोधी तत्व है ये। इसीलिए और उसमें वो भी था कन्हैया कुमार, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी माने में गया और उसके बाद आजकल वो कांग्रेस ला करके राहुल गांधी के जूते चाट रहा है, सोनिया गांधी के जूते चप्पल उठा रहा है, यानी देखा होगा आपने, वो भी था साथ में। तो इस आरफी ने उस सरजी इमाम के बयान को, जो चिकन नेक को काट देने का बयान था, उसका इसने पूरा समर्थन किया था। दोस्तों आप जानते होंगे कि कितने गद्दार, कितने एंटी नेशनल लोग हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।